हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से यार। टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 3 रुपए 45 पैसे की तेजी देखने को मिल रही है। बाजार में काफी डर का माहौल बना हुआ है क्योंकि हर एक स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल पर एक करेक्शन देखने को मिल रही है। सभी निवेशकों का यही क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हमें कैंपस एक्टिवेयर को अभी बेच देना चाहिए, क्योंकि स्टॉक पहले तो काफी टाइम के बाद एक तेजी का मोमेंटम देखने को मिला था, अब इस स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल पर फिर से एक करेक्शन आती हुई नजर आ रही है। तो हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए और हमें फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे। अगर हम स्टॉक के रिटर्न्स की बात करें तो पीछे की 1 सप्ताह के अंदर स्टॉक में 6.5% की गिरावट देखने को मिली है, तो वहीं 1 महीने में 3% की तेजी, 3 महीने में 5% की गिरावट, 6 महीने में 15% और 1 साल के अंदर 41% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिल रही है। काफी सारे निवेशकों ने इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म में बाय किया है, काफी ऊपरी लेवल पर उन्हें ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अब स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक के अंदर ऊपर में एक टॉप बना है 320 रुपीज पर, 320 रुपीज पर इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक टॉप बना है। ऊपरी लेवल पर एक करेक्शन देखने को मिल रही है। स्टॉक में जो नीचे में सपोर्ट लेवल है वो 280 रुपीज पर है, 280 रुपीज पर इस पॉइंट पर स्टॉक के अंदर एक सपोर्ट लेवल है। यहां से स्टॉक में एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक नीचे में 284 रुपीज के प्राइस को ब्रेक डाउन करके नीचे एक क्लोजिंग बनाता है तो स्टॉक का जो दूसरा सपोर्ट लेवल है वो काफी नीचे है, अराउंड 250 रुपीज तक की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इसलिए अगर आपके पास ये स्टॉक है तो नीचे में 250 रुपीज का एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस ट्रेड करें, ऊपर के टारगेट अराउंड 330 रुपीज शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक को 350 रुपीज के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।